अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम तरुण। इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द एसी जनरेटर वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, कंपोनेंट एंड द प्रिंसिपल ऑफ द एसी जनरेटर। But before starting the main topic, I will discuss how is an electric current generated, means current कैसे बनती है और generator जो नाम रखा हुआ है इस नाम में क्या गलती है, ये दोनों concept को आपको पहले समझना होगा। इससे पहले lecture में हम लोगों ने बताया जो live demonstration हुआ था, Faraday का जो नियम था उसके according कि अगर magnet आपके पास और copper wire की coil अगर है तो जब cross movement कराते हैं, electric flux को बार बार cut करते हैं motion के through, तो electricity generate होती है। मिसेक जो छोटा जो बल्ब था, एलईडी जो थी वो जली थी जब हम क्रॉस मोशंस यूज करते हैं मैग्नेट और कॉपर वायर के साथ। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है, तीन चीजें आपको चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो जनरेटर का जो मीनिंग है इसमें क्या गलतियां हैं। जनरेटर का जो इंग्लिश मीनिंग है वो किसी चीज को जनरेट करना, बट यहां पर जब जनरेटर हम यूज करते हैं, कोई भी मशीन किसी भी चीज को जनरेट नहीं कर सकती। मीन्स जो नाम रखा हुआ है जनरेटर का, बहुत सारे बुक्स में भी लिखा होता है, मेरा अपना भी ओपिनियन है कि नाम गलत ही है। इस डिवाइस का नाम या इस मशीन का नाम जनरेटर नहीं होना चाहिए। मशीन कैन नॉट बी जनरेटेड एनीथिंग, मीन्स मशीन क्या करेगी, सिर्फ एक इनपुट लेगी, उस चीज को प्रोसेस करती है और आपको आउटपुट देती है। मीन्स मशीन ट्रांसफॉर्म कर सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, किसी चीज को जनरेट क्रिएट नहीं कर सकती। अब इसका नाम क्या होना चाहिए, जनरेटर क्या करता है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। मींस एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। तो एक टाइप से आप समझ सकते हैं ये जनरेटर ना होकर इसको आप कन्वर्टर बोल सकते हैं, ये कन्वर्ट करता है चीजों को। बहुत सारे कन्वर्टर आते हैं, आप यूज करते हैं ना मोबाइल्स के अंदर, होते हैं फाइल कन्वर्टर होते हैं कि किसी फाइल को आप किसी एक्सटेंशन से किसी एक्सटेंशन में कन्वर्ट करना होता है, तो वो जनरेटर नहीं होते, वो कन्वर्टर ही होते हैं। तो यहां पर भी आपका ये एनर्जी कन्वर्टर है, ना कि कोई भी जनरेटर। हम इसको जनरली यूज करते हैं, बस इसका नाम जनरेटर नहीं होना चाहिए, बट बुक्स में जनरेटर ही लिखा होता है। मैकेनिकल एनर्जी कैसी होती है कि जब किसी चीज को आप हाथ से घुमाते हैं, मूवमेंट कराते हैं, तो वो मैकेनिकल एनर्जी है। और जब किसी चीज को आप हाथ से घुमाते हैं, फिजिकली वर्क करते हैं, और उस हाथ से घुमाने से जो क्रिएट होगी, जो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगी, उसको आप इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं, जिसको आप अपने घर में यूज करते हैं, लाइट जलाने के लिए, फैन को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिक जो भी अप्लायंसेस आपके घर में, उसको चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर आपने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया। अब बात आती है जनरेटर, जो वर्ड हम यूज करते हैं मार्केट में, जो अवेलेबल है, या घर पर भी जो जनरेटर यूज करते हैं, सिर्फ जनरेटर ही बोलते हैं, जबकि जनरेटर जनरेटर नहीं है। जनरेटर दो टाइप के होते हैं, एक एसी जनरेटर और एक डीसी जनरेटर। बट हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम बना हुआ है कि हम चीजों को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसलिए जो घर में यूज होता है, डोमेस्टिक है, किसी भी इंडस्ट्री में जब जनरेटर यूज होता है तो आप उसको जनरेटर ही बोलते हैं, ना कि उसका पूरा नाम लेते हैं। जैसे आप देखते हैं ना क्लास या फ्रूट्स की हम बात करें, फर्नीचर की हम बात करते हैं, तो फर्नीचर की बहुत सारी कैटेगरी होती है, बट हम फर्नीचर बोल देते हैं। फर्नीचर में टेबल भी आती है, चेयर भी आएगी। ऐसे सेम केस की अगर हम बात करते हैं, टिकट की बात करते हैं, जब आप टिकट की बात करते हैं तो स्टेशन में जो टिकट मिलता है वो ट्रेन का मिलता है, बस स्टैंड पर जो टिकट मिलता है तो वो बस का मिलता है, फ्लाइट का टिकट होगा तो आप अगर एयरपोर्ट पर जाएंगे तो फ्लाइट का टिकट मिलेगा। बट हम लोगों को एक हैबिट बनी हुई है कि शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को बोलने का, टिकट ही बोल देते हैं। तो ऐसे जो जनरेटर है, जनरेटर पूरा वर्ड नहीं है, आप या तो एसी जनरेटर बोलिए या डीसी जनरेटर बोलिए। अब दोनों जनरेटर में बहुत बड़े बड़े डिफरेंस है, ऐसा दोनों एक जैसे नहीं है। एसी जनरेटर मीन्स जो अल्टरनेटिव करंट सप्लाई करता है, और डीसी जनरेटर मीन्स जो डायरेक्ट करंट एज ए आउटपुट देता है, जनरेट करता है, या आप उसको कन्वर्ट कह सकते हैं, कन्वर्ट करता है। तो एसी जनरेटर कब काम आएगा, वो अल्टरनेटिव करंट देगा, और जो डीसी जनरेटर होगा वो आपको डायरेक्ट करंट देगा। अब अल्टरनेटिव करंट का क्या मीनिंग होता है, अल्टरनेट मीन्स छोड़कर, जैसे अल्टरनेट डेज आपको बोला जाता है कि एक दिन छोड़कर एक दिन आना, एक दिन छोड़कर एक दिन आना है। तो अल्टरनेट डेज में क्या होता है, अल्टरनेट का जो मीनिंग होता है कि एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, ऐसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और जब डायरेक्ट करंट की बात करते हैं तो वो डायरेक्ट होती है, उसमें कोई अल्टरनेट नहीं होता है, सीधी
स्ट्रेट लाइन आप समझ सकते हैं। तो दोनों करंट अलग अलग हैं और दोनों करंट को जनरेट करने के लिए जो जनरेटर हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ के लेक्चर में हम सिर्फ हम एसी जनरेटर ही समझेंगे कि एसी जनरेटर का क्या कंस्ट्रक्शन है, किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है, क्या इसकी वर्किंग है। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो जो एसी जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फैराडे का जो नियम है उस पर काम करता है कि जब हम फ्लक्स को चेंज करते हैं तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फैराडे का एक नियम है। ये फाइक जो होता है वो फ्लक्स होता है, जब आप उसको चेंज करते हैं तो चेंज करने से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो यही एक सबसे ये प्रिंसिपल है जो कि जनरेटर जिस पर आधारित है। अब कौन कौन से कंपोनेंट है इसी जनरेटर के लिए वह आपको समझने होंगे। एक आर्मेचर होता है, उसके बाद आपको मैग्नेट चाहिए, स्लिप रिंग और ब्रश, ये चार मेजर कंपोनेंट है जो जनरेटर के अंदर होते हैं, एसी जनरेटर के अंदर होते हैं। आर्मेचर अगर आयरन का कोई सॉफ्ट आयरन आपके पास है उस पर वायर उस पर लूप्स से वायर्स को आपने क्या क्या लपेटा हुआ है तो वो आर्मेचर बनता है। इस टाइप से दो अलग अलग एक रेक्टेंगल है और ये एक राउंडेड बना हुआ है जो ट्रेडिशनली उसमें यूज होता है जनरेटर के अंदर। दूसरा मैग्नेट्स अलग अलग शेप में आती हैं, तो जो भी आपके पास जनरेटर होगा जिस शेप का भी होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको मैग्नेट यूज करनी होती है। अब मेजर जो मेन जो कंपोनेंट है वो स्लिप रिंग और ब्रश है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। स्लिप जो रिंग है ये गोल स्लिप रिंग बनी हुई है, ऐसे गोल एक रिंग होगी, एक तरीके से हाथ का जो कड़ा होता है वो समझ लीजिए, वो बार बार स्लिप करेगा, गोल तो रहेगा पर वो ब्रश के साथ स्लिप करता रहेगा। ये ब्रश फिक्स है सपोज करो और ये कड़ा है तो वो टच भी होगा स्लिप करता रहेगा, बार बार राउंडेड रहेगा, फिक्स रहेगा। जो कॉयल होगी उसके साथ वो फिक्स है, सपोज करो इसको आप ध्यान से देखिए ये पूरा स्लिप रिंग है, यहाँ पर फिक्स है, तो जब आप इसको रोटेट कराएंगे तो ये पूरा का पूरा इस ब्रश के साथ चिपक के घूमता रहेगा, ये समझ लीजिए। इसलिए इसका नाम भी स्लिप रिंग रखा हुआ है, फिसलने वाला रिंग। ये दूसरा रिंग है दूसरे वायर के साथ, ये भी इसके साथ परमानेंट फिक्स है। ये ब्रश पर क्या होगा बार बार फिसलता रहेगा, ये जैसे हाथ है और कोई चीज़ ऐसे घुमानी है आपको तो वो ऐसे घूमती रहेगी, इस पर टच तो रहेगी बट वो ऐसे बार बार स्लिप करती रहेगी, इसलिए इसको ब्रश बोलते हैं, वो स्लिप रिंग बोलते हैं, फिसलने वाली रिंग। और ये ब्रश जो होते हैं जो आउटपुट सप्लाई देंगे ये ब्रश होते हैं, इसके थ्रू जो आउटपुट सर्किट होगा जहाँ पर भी आपको करंट भेजनी है वो ब्रश के थ्रू जाएगी। तो चार मेजर कंपोनेंट हैं जनरेटर के लिए। अब देखते हैं जो करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसे निकालते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी आपको समझना होगा। जो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है एफ बी और आई, जो करंट होगी वो यहाँ से आप कन्फर्म करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये डायरेक्शन हो गया, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी। तो ये रूल आपको जनरेटर में बहुत काम आएगा, एफ बी और आई। आपको जब भी कभी आपको डायरेक्शंस निकालनी होगी कि फोर्स आप देखिए इधर की तरफ लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा और जो इंड्यूस करंट होगी वो इधर की तरफ होगी, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। अब वर्किंग आपको समझनी है कि जनरेटर कैसे काम। सिंपल आपको एक रेक्टेंगल टर्न जो कॉयल्स का जो आर्मेचर है वो आपको यूज करना है, उसको आप नाम ए बी सी डी आप दे सकते हैं, रेक्टेंगल साइज का होगा। आपको दो स्लिप रिंग और दो ब्रश आपको लेने हैं, अगर सिंगल रेक्टेंगल कॉयल अगर है, इस पॉइंट को भी आप नोट करिएगा, सिंगल अगर रेक्टेंगल कॉयल है आपके, सिंगल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको दो स्लिप रिंग चाहिए और आपको दो ही ब्रश चाहिए और एक एक्सटर्नल जो लोड रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस भी आप ले सकते हैं, गैल्वेनोमीटर भी ले सकते हैं, या कहीं कहीं भी आपको आउटपुट देना हो उसको चेक करना है करंट जनरेट हुई है या नहीं तो आप वहां पर उसको रिप्लेस कर सकते हैं, रेजिस्टेंस या गैल्वेनोमीटर आप ले लीजिए। अब डायग्राम को आपको समझना है, डायग्राम को कैसे इसको अरेंज करते हैं। ये मैग्नेट है आप समझ लें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है। ये आर्मेचर है, ये देखो एक ब्रश और दूसरा ब्रश है, ये कार्बन वन और ये कार्बन टू है ब्रश जो बने हुए हैं, ये रिंग है और ये ब्रश है, तो दो ब्रश हैं और दो रिंग। ये गैल्वेनोमीटर है जो आपको आउटपुट बताएगा, अभी करंट जीरो है यहाँ पर तो या तो इधर भी जा सकता है या इधर भी जा सकता है करंट को चेक करने के लिए। अब रोटेट, अब ये होगा रोटेट होने से क्या होगा, बार बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कट करेगा, बार बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स कट होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कट करने से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये फैराडे का नियम था, E=-dΦ/dt, जो नेगेटिव साइन था वो लेंस का नियम बताता है कि जिसके कारण जो उत्पन्न हुई थी जो कि उस चीज़ का वो अपोज करते हैं। तो बार बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वो ईएमएफ जो है वो ही करंट को बनाएगा।
अब आप देखिए लाइव इसका जो एक डेमो है कैसे, देखो बार बार क्या होगा, ये रोटेट होगा और यहाँ पे आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, जहाँ से बार बार करंट की जो डायरेक्शन एक बार चेंज हो रही है, एक बार अप एक बार डाउन, एक बार अप एक बार डाउन, मीन्स अल्टरनेट चेंज हो जा रही है, इसीलिए यहाँ पर जो करंट जनरेट होगी वो अल्टरनेट करंट जनरेट होगी। इसमें आपको एक पॉइंट को और भी समझना होगा, ये एक ब्रूस है, पहला ब्रूस, ये दूसरा ब्रूस है और ये रिंग है, ये ब्रूस इधर है और ये रिंग ये वाले, तो ये रिंग ही रोटेट हो रहे हैं ये समझ लीजिए, और इसको बार बार ब्रूस को टच करते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, ये स्लिप रिंग है, इससे स्लिप होगा और ये ब्रूस यहाँ पर फिक्स वो है, इससे यहाँ से आउटपुट आपको मिलती रहेगी। तो ब्रूस और जो रिंग है उन दोनों का बहुत बड़ा रोल है जनरेटर के अंदर, अगर आपने इसमें थोड़ा भी चेंज कर दे तो हो सकता है एसी का डीसी बन जाए, तो इसलिए बार बार मैं ब्रूस पर फोकस कर रहा हूँ और स्लिप रिंग पर, क्योंकि यहाँ पर जो एक टर्मिनल आपने फिक्स कर दिया वो हमेशा फिक्स ही रहेगा और वो बार बार स्लिप होता रहेगा ब्रूस के साथ। अब देखते हैं कब करंट मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी, उस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। तो दो केस मैंने यहां पर लिए हैं, पहला केस आप देखिएगा जब फ्लक्स है, अगर ये दो मैग्नेट रखे तो फ्लक्स ऐसे रखा, आप समझ लीजिए ये मैग्नेट है स्ट्रक्चर, फ्लक्स ऐसे है मेरा, तो अगर ऐसे फ्लक्स है तो करंट कैसे बनेगी वो आपको समझना है। तो ये देखिए ये ब्रूस बी वन है, ये ब्रूस बी टू है, ये रिंग आर वन है, ये रिंग आर टू है, आप इसको इस पॉइंट को पहले समझ लो, अगर ये डायग्राम आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको कोई डाउट नहीं। इस टर्मिनल से आपने क्या है ये ऐड हुआ है और इस ये जो वायर है यहाँ से ये इस ब्रूस से ऐड हुआ है बी टू से। अब आपको इस पॉइंट को देखना, सपोज करो इस यहाँ इस पॉइंट को एक मार्क कर देता हूँ, अगर इस पॉइंट को मार्क करता हूँ तो जो बी होगा वो ये बी है, और ये भी आप समझना ये ऐसे रोटेट होना चाह रहा है, फिलहाल ऐसे ही ऐसे रोटेट होगा ऊपर की तरफ आएगा, तो फोर्स क्या होगा, ये फोर्स होगा ऊपर आना चाह रहा है, ऐसे आना चाहेगा ना इस तरह इस टाइप से, तो जो करंट होगी वो इधर ही जाएगी, ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल एफ बी और आई, क्योंकि ये ऐसे होगा। इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर जो बी होगा वो यही है, बट फोर्स जो होगा वो अंदर होगा, क्योंकि अंदर जाना चाह रहा है ना ये, तो मतलब अंदर मीन्स जैसे ये था तो ऐसे जाना चाह रहा है, अंदर जाना चाह रहा है, तो करंट कैसे होगी, फिर करंट ऐसे हो जाएगी। तो दो पॉइंट पर आपने क्या किया, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल अप्लाई किया वहां से आपने इसकी क्या की करंट निकाल ली। अब इस पे ऊपर की तरफ होगी तो ऊपर से करंट ऐसे आएगी, तो मीन्स ये क्या होगी इस ब्रूस से इधर जाएगी, तो ये आप पॉइंट यहां मिल जाएगा, और इससे क्या होगी ऐसे निकलती, देखो ये पूरा क्लोज लूप यहां पे बनेगा इस टाइप से। तो अगर यहां पर गैल्वेनोमीटर होता सपोज करो, तो जो करंट थी तो उसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती है, गैल्वेनोमीटर मींस इधर से ऐसे शिफ्ट हो जाता, तो ये पहला केस था। अब आपने क्या किया, ये ऐसे था आपने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, दो ही केस थे। तो रोटेट करने से क्या होगा, इस पॉइंट को आपको ध्यान से समझना होगा कि ये जो टर्मिनल था देखो ये बी वन के साथ इधर था, तो अब ये इस पॉइंट पर तो है, इस पॉइंट पर तो है, बट ये लाइन इधर बनी हुई है देखो स्लिप रिंग के साथ आर वन, और जो ये वाला होगा ये टर्मिनल इधर आया हुआ है, मिस अब क्या होगा स्लिप तो वही जो रिंग थी वो तो वही थी, बस रिंग क्या की रोटेट की, तो अब करंट क्या होगी, इस पॉइंट पर भी करंट ऐसे होगी ऊपर की तरफ होगी, और इस पॉइंट पर करंट क्या होगी नीचे की तरफ होगी, ये आई करंट होगी, बट जब नीचे की तरफ होगी तो ये ऐसे से जाता रहेगा, तो ये करंट ऐसे जाएगी इस पॉइंट से, फिर ऐसे करती हुई क्योंकि ये बी से टच होगा तो ये ऐसे करंट आएगी और फिर ये ऐसे चली जाएगी, ये कॉन्सेप्ट है। इस बार क्या होगा, जो गैल्वेनोमीटर अगर है यहाँ पर तो ये तो न्यूट्रल था, तो गैल्वेनोमीटर इधर की तरफ झुक जाएगा, बस करंट इधर जा रही है तो गैल्वेनोमीटर न्यूट्रल से ऐसे हो जाएगा। तो दो केस थे कि दोनों केस में क्या हुआ, ये ऐसे रोटेट करता रहेगा, तो एक बार करंट क्या हुआ इधर से इधर गई और एक बार करंट इधर से इधर गई। अब बार बार क्योंकि ये सिचुएशन तो बार बार रिपीट होती रहेगी, तो करंट इधर आएगी फिर न्यूट्रल होगी फिर इधर जाएगी, न्यूट्रल होगी इधर जाएगी इधर जाएगी इधर जाएगी, इस टाइप से क्या होगा ये मोशंस कब जारी रहेगी। तो अलग अलग केस को आप देखिएगा, अलग अलग केस कैसे हैं, ये जीरो पोजिशन के लिए है कि जब फ्लक्स जितना इनकमिंग है उतना आउटगोइंग है, कोई चेंज नहीं होगा, इस केस में कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा मीन्स जीरो रहेगा, क्योंकि जितनी लाइनें आई हैं वो लाइनें क्या सबकी सब क्या पास हो जाती है, कोई फ्लक्स में चेंज नहीं है। आपने क्या किया, जीरो से 90 डिग्री कर दिया, अब मैक्सिमम फ्लक्स में चेंज आएगा तो करंट जनरेट होगी,
फिर वापस ये पोजीशन आ जाएगी 180 डिग्री पर, फिर से इनकमिंग आउटगोइंग सेम होगा, कोई फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। फिर से क्या होगा, जब 270 आएगा तब भी मैक्सिमम चेंज होगा, अब जब 360 आएगा फिर से यह इसी सिचुएशन में आ जाएगा, जीरो करंट की सिचुएशन में। तो ये जो डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम को यहाँ पर देखिएगा आप, तो एक बार क्या हुआ, जीरो या फिर 90 डिग्री पर मैक्सिमम होगा इस कंडीशन में, फिर 180 डिग्री पर फिर से जीरो होगा, फिर 270 पर जीरो मैक्सिमम होगा, फिर 360 पर फिर से जीरो हो जाएगा। मीन्स एक साइकिल में दो बार जीरो होगा, ये समझ लीजिए आप, क्योंकि ये साइकिल तो दोबारा से फिर नए साइकिल में काउंट हो जाएगी। तो दो बार तो EMF या करंट की जो वैल्यू थी वो जीरो थी। तो इस टाइप से फ्लक्स में कब जीरो हो गया और कब मैक्सिमम होगा वो आप समझ सकते हैं। जब जीरो होगा, अगर एंगल जीरो है तो उसमें कोई करंट जनरेट नहीं होगी, जब 90 डिग्री होगा तब जनरेट होगी, फिर 180 पर फिर से जीरो हो जाएगी। ये फ्लक्स की जो जो आपका जो आर्मेचर है उसकी क्या पोजिशन थी उस पर वो EMF डिपेंड करता है। तो ये मैथमेटिकली फॉर्मूला है, जो फाइ इक्वल्स टू होगा ए डॉट बी, तो ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं इसको, एंगुलर वेलोसिटी यूज कर सकते हैं, टी टाइम के लिए आएगा। पर जो फेराडे का जो नियम है, EMF इक्वल्स टू जो होगा माइनस एन डी फाइ अपॉन डी टी, एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो जब आप डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी लिखेंगे तो क्या होगा, कॉस का साइन हो जाएगा और ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो नेगेटिव जो साइन है पॉजिटिव बन जाएगा। तो EMF कितने प्रोड्यूस होगा, ये वाला EMF का फॉर्मूला बन जाएगा जनरेटर के लिए। इसमें आपको क्या समझ आता है कि जब आप टाइम रखते हैं, जो टाइम साइकिल जीरो से टी तक होगा, कि जब जीरो टाइम होगा तो जीरो EMF होगा, जब टी बाई फोर होगा तो मैक्सिमम होगा, टू टी बाई फोर पर फिर से जीरो हो जाएगा, थ्री टी बाई फोर पर फिर से मैक्सिमम होगा, और जब पूरा साइकिल पूरा होगा, जब टी इक्वल्स टू कैपिटल टी हो जाएगा, तो फिर EMF जीरो हो जाएगा। तो इस टाइप से ये अल्टरनेटिव करंट है कि एक बार अप जाएगा, एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक बार नेगेटिव में, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव में, जब एक पूरी साइकिल में एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ये इसी चीज को रिपीट करते हैं, इसलिए इसका नाम अल्टरनेटिंग करंट रखा हुआ है। अब आप इस कंसेप्ट को भी आपको समझना है, मैंने आपसे कहा जनरेटर का जो नाम है वो जनरेटर नहीं है, एसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर भी होता है, टू फेज जनरेटर होता है, थ्री फेज जनरेटर होता है, इवन पॉलीफेज जनरेटर भी होता है, पॉलीफेज आप समझ सकते हैं। पॉलीफेज जनरेटर का क्या मीनिंग होगा, टू फेज जनरेटर का क्या मीनिंग होगा, ये आपको समझना है। भाई एक जो कॉइल बनी, जो रेक्टेंगल ये आपका बना हुआ है, ये आर्मेचर है, ये 180 में अपने आप को एक जैसा लगता है, जैसे ये है तो 180 में फिर से ऐसे ही आएगा, 180 में आ जाएगा, तो आपको 180 डिग्री को चेंज करना है। 180 डिग्री में क्या, अगर मैं टू फेज जनरेटर की बात करता हूं तो आप दो वो ले लीजिए, दो आर्मेचर ले लीजिए, अब इन दोनों को एक दूसरे के 90 डिग्री पर रख दीजिए, तो अब करंट दोनों से क्या होगा, अलग अलग ब्रूस होंगे, अलग अलग स्लिप रिंग होंगे, तो इस टाइप से जो आउटपुट मिलेगी वो टू फेस आउटपुट मिलेगी। मीन्स आर्मेचर को आपको 90 डिग्री पर रखना होगा, दो आर्मेचर आप ले लीजिए। तो ऐसे अगर किसी में दो आर्मेचर लगे हुए हैं तो वो जनरेटर टू फेस जनरेटर होगा। अगर थ्री फेस की बात करता हूं तो 180 डिग्री एंगल को आपको तीन पार्ट में डिवाइड करना होगा, तो मीन्स 60 डिग्री पे आप रख दीजिए तो वो क्या होगा, तीन आर्मेचर आप ले लीजिए, तीनों को आपको 60-60 पे रखना होगा। तो 60 पे जब आप उसको रखेंगे तो उस केस में जो आउटपुट मिलेगी वो थ्री फेस आउटपुट मिलेगी आपको। इवन पॉलीफेज भी मैंने आपको बोला गया कि मल्टीपल आप आर्मेचर यूज कर लीजिए, कॉइल्स यूज कर लीजिए, तो वो पॉलीफेज बन सकता है, बट जनरली टू फेस और थ्री फेस जनरेटर तो मार्केट में यूज होते ही हैं, कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज को यूज करती है। वन फेस तो ठीक है, जिसमें वन आर्मेचर, एक आर्मेचर लगा हुआ है, तो टू फेस में आपको दो कॉइल आपको यूज करनी है, आर्मेचर यूज करना है, एक दूसरे के 90 डिग्री पर यूज करना होगा, और थ्री फेस में आपको 60-60 एंगल पर रखना होता है, उसको थ्री फेस बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी वो डीसी जनरेटर की होगी, और एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कि टेक्निकली क्या डिफरेंस होगा, कैसे कंस्ट्रक्शंस कैसे करते हैं, और एसी और डीसी का क्या डिफरेंस होगा।